बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाए गाइज, मेरे मम्मी के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं है। यही है गाइज मेरा पुराना एरिया और ये देख सकते हो मेरा पुराना वाला बिल्डिंग, यहाँ पे रहता था मैं। तो गाइज हमेशा यहाँ पे 15-20 लोग तो मिनिमम होते हैं, बट अभी एक गर्मी का रीजन भी है कि ब्रेजा, तो ब्रेजा मैनुअल थी गाइज और मैंने चलाई थी फर्स्ट टाइम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है एकादशी और एकादशी हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है गाइज, और ऐसा बोलते हैं कि आज के दिन में खाना खाना भी पाप है, मींस बहुत बड़ा पाप है। तो इसकी वजह से आज घर पे दोस्तों सबका फास्ट होने वाला है, साथ ही साथ जिसके घर पे अगर लड्डू गोपाल है उनकी सेवा होती है तो वहाँ पे तो ये व्रत जरूर रखना ही चाहिए। तो इसलिए अभी मैं दोस्तों ब्रेकफास्ट में कर रहा हूँ, फ्रूट्स खाने वाला हूँ, तरबूज है, एप्पल है और ये मेरे को आइडिया नहीं है क्या है, बट मम्मी ने कटिंग करके रेडी रखा है गाइस। देखो गाइस हमारे घर के लड्डू गोपाल भी झूले में बैठे हुए हैं, उन्हें एक बार झूला झूला लेता हूँ मैं धीरे धीरे से, देख सकते हो। और गाइस मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो इस बात का है कि ये ब्रेकफास्ट तो अभी कर ही रहा हूँ, बट इवनिंग में दोस्तों बनने वाली है साबूदाने की खिचड़ी, जो कि उपवास में बनती है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मींस मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ घर पे कि यही बनाया करो, खाना बनाना ही बंद कर दो, इतनी ज्यादा पसंद है। और दोस्तों ब्रेकफास्ट होते ही हमें जाना है शीतला क्लासेस, मैंने 2-3 व्लॉग्स पहले ही बताया था कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है 4-व्हीलर की, तो उसके लिए हमें ड्राइविंग क्लासेस आज ही ज्वाइन करना है, वहाँ पे एडमिशन लेना है, साथ ही साथ पेमेंट भी कर दूंगा, सारा डॉक्यूमेंट भी क्लियर कर दूंगा और आज ही इवनिंग से हम लोग ड्राइविंग शुरू कर देंगे अगर टाइम वगैरह शेड्यूल कर दिया उन्होंने आज का ही, तो एकदम सही रहेगा। तो फटाफट गाइस मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर चलेंगे क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है एंड मैंने लाइफ में गाइस कभी कार ड्राइव नहीं की है, मींस एक दो बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि हाँ मैंने चलाई है करके, एक फ्रेंड की थी होंडा एकॉर्ड, तो वो गाड़ी थी गाइस फुल ऑटोमेटिक, तो मतलब उसको चलाए या ना चलाए एक ही बात हो गई क्योंकि वो तो बहुत ईजी हो गया ऑटोमेटिक में। और साथ ही साथ एक और फ्रेंड थी जिसकी गाड़ी है ब्रेजा, तो ब्रेजा मैनुअल थी गाइस और मैंने चलाई थी फर्स्ट टाइम। तुम्हारे भाई में इतना कॉन्फिडेंस तो है, बंद नहीं होने दिया और चलाया था अच्छे से, बट इसे ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं प्रूव हो जाता है कि मुझे गाड़ी चलाने आती है, तो बस ये बहुत नेसेसरी है दोस्तों आज के टाइम पे कि आपको ड्राइविंग आनी ही चाहिए। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट तो किया है बट थोड़ा सा एक वीडियो मेरा पेंडिंग पड़ा है एडिट करना, तो उसको कर लेता हूँ और फिर चलेंगे हम लोग ड्राइविंग क्लासेस। इस वीडियो एडिट करके अभी मैं नीचे उतरा हूँ और अपने सब भाई लोग जो दोस्त लोग हैं मेरे यहाँ के, तो सब हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पे मैं पहले रहता था वो बिल्डिंग के पीछे एक जगह है, तो वो भी मैं अभी जाते हुए आपको बताऊंगा। एंड जब से गाँव गया था गाइस उसके बाद से मतलब फ्लो टूट गया वहाँ पे संडे क्रिकेट खेलने का, और साथ ही साथ व्लॉग वगैरह के चक्कर में खेलने नहीं जा पाता हूँ, तो आज जाके देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं वगैरह। यही है गाइस मेरा पुराना एरिया और ये देख सकते हो मेरा पुराना वाला बिल्डिंग, यहाँ पे रहता था मैं। एंड गाइज यहाँ पे मैंने 6 साल निकाले हैं और यहाँ पे शॉप वाले भैया वगैरह जो भी है एरिया में सब जानते भी है अच्छे से। तो यहाँ से स्ट्रेट में एक रोड जाता है जहाँ पे एक छोटा गेट है और पीछे मतलब अच्छी स्पेस वाली सोसाइटी है, तो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो अभी सब खेल ही रहे तो चलते हैं वहाँ पे। इस गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है और ये गाड़ी शायद चिंतन की है, देखते हैं अंदर है या नहीं, वो आया है या किसी और की गाड़ी है। तो यहाँ से जाते हैं ऐसे छोटे गेट से, देखो छोटा गेट है ये एरिया से निकलता है और यहाँ से जाके देखेंगे, पहले यहाँ पे भी खेला करते थे बट अभी शायद अंदर शुरू कर दिया है। अरे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है गाइज, अभी मैच शुरू नहीं किया इसलिए मैं डर गया, मेरा तो पोपट हो गया, कोई है नहीं, बट सब लोग इस ट्रक के पीछे खड़े हैं। मैं मिलवाता हूँ आपको गाइज, ये देखो बेटा है। तो गाइज हमेशा यहाँ पे 15-20 लोग तो मिनिमम होते हैं, बट अभी एक गर्मी का रीजन भी है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और ज्यादातर दोस्त हमारे गांव गए हुए हैं गाइज, तो अभी सिर्फ 4-5 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ गाइज यहाँ के जो लोकल लड़के लोग हैं फ्रेंड्स वगैरह है तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं खेलने के लिए, क्योंकि क्रिकेट के लिए हम भी किसी को मना नहीं करते और कोई खेल रहा हो तो हमें वो भी मना नहीं करता है यहाँ पे। तो देखते गाइस अभी हम लोग एक आध गेम खेल लेते हैं, अभी हम लोग एक गेम खेल रहे हैं वो भी नंबर गिरा के क्योंकि प्लेयर्स बहुत कम है, तो देखते हैं गाइस अभी तक सब लोग 0 पे आउट हुए हैं और टोटल 7 नंबर है, अभी उस पे 5वां उतरा है और 6वां मैं हूँ, देखते हैं क्या खेलता है चिंतन। गाइज अभी हम लोग ने गर्मी में 3-4 गेम खेले सिंगल्स में, तो बस हो गया अभी के लिए और 2-3 लोग और एक्स्ट्रा आए हैं, तो ये लोग अभी नया टीम बना के खेल रहे हैं क्रिकेट खेल के। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, मानव को ड्रॉप कर दिया है अभी मैंने क्योंकि वो मेरे घर के जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहता है, तो अभी एक बार घर पे जाता हूँ थोड़ा फ्रेश होके फिर हम लोग जाएंगे ड्राइविंग क्लासेस में।
तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ शीतला मोटर ट्रेनिंग स्कूल के बाहर और अंदर ऑफिस में जाके बात कर लेते गाइस। एंड जो भी सीन रहेगा गाइस मैं आपको बाहर आके बताता हूँ कि क्या बात हुई। तो गाइस अभी मैं ड्राइविंग क्लासेस में जाके आ चुका हूँ और मैम ने बताया कि संडे और मंडे क्लासेस बंद रहती है, मीन्स दो दिन, तो और ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक चालू रहती है। आज संडे है तो मीन्स कल भी छुट्टी है और ट्यूसडे से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी इवनिंग के टाइम पे, मीन्स अराउंड 6:30-7 बजे का स्लॉट है हमारा। एंड साथ ही साथ गाइस उन्होंने मुझे एक ऐप बताया जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो वो ऐप का नाम है RTO एग्जाम। तो उसमें गाइस अराउंड 516 MCQ मुझे प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से सिर्फ 15 मुझे पूछेंगे जो कि 27 को प्रैक्टिकल एग्जाम होगा RTO ऑफिस में, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो बस दोस्तों यही था और मैंने फीस भी सबमिट कर दी है और फाइनली सक्सेसफुली एडमिशन भी हो चुका है हमारा। तो बस दोस्तों अभी घर पे चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि कब से धूप में ही घूम रहा हूँ मैं। गाइस ये देखो मम्मी ने साबूदाने की खिचड़ी बनाने की सब तैयारियां कर ली है यहाँ पे देख सकते हो, और ये देखो तावड़ी में वगार करी थी दो यानी हिंदी में वगार हो क्या वो अभी। तो गाइस फाइनली साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो चुकी है देख सकते हो, एंड साथ में है मसाला छास जिससे मजा दुगना हो जाएगा। एंड गाइस साबूदाने की खिचड़ी को राजस्थान में मेरे गांव में शागार ऐसा बोलते हैं और उपवास में ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये मतलब ज्यादातर बनता ही है सबके घर पे, तो इसे फटाफट खा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है गाइस, मेरे मम्मी के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं है। अभी हो रहे हैं रात के 9:30 और मैं नीचे गार्डन में घूमने के लिए आया था देख सकते हो, यहाँ पे घूम रहा हूँ। एंड गाइस जैसा कि हमारा लास्ट व्लॉग था पिज्जा वाला, पिज्जा चैलेंज वाला, तो वैसा ही मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट कुछ फूड से रिलेटेड ही लेके आओ, तो मीन्स नेक्स्ट व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ हम लोग मंचूरियन बनाए, तो देखते गाइस क्या होता है। व्लॉग फिक्स तो नहीं बता सकता क्योंकि कंटेंट अलग अलग होता है, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो आगे के व्लॉग्स में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। एंड गाइस स्पेशल रेसिपी मेरे मासा जी ने मुझे बताई है मंचूरियन की, वो बहुत अच्छा कुक कर लेते गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या आता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।